इधर संसद के बजट सत्र के सातवें दिन अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से भिड़ गए। जी हां, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। तो आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। अब जिसे जाति को पता नहीं होता वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं और इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया है। वहीं राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गाली, महाभारत की बात हुई तो अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, तो हमें जाति जनगणना चाहिए वो हम करा के ही रहेंगे, इसके पीछे चाहे मुझे कितनी भी गाली दी जाए। वहीं सपा सांसद अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि मैं आर्मी स्कूल से पढ़ा हूं, मैं पूछता हूं कि राज्यों से 10% कोटा क्यों मांग रहे हो? सरकार खुद से ये बात स्वीकार करती है कि ये स्कीम ठीक नहीं है, तभी तो वो अपनी राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौटकर आएंगे उन्हें कोटा दीजिए। अखिलेश ने कहा कि शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ ज्यादा है। जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है वे। केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप।